अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ मामले में थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ मामले में थाना प्रभारी पर कार्यवाही की जाए, इस मांग को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल कमिश्नर को ज्ञापन दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर बीजेपी नेताओं को थाने में धार्मिक आयोजन करने की अनुमति दी जा सकती है तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रत्येक थाने में जाकर धार्मिक आयोजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें, सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। वहीं कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने आश्वासन दिया है कि थाना प्रभारी के खिलाफ 2 दिन में कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने थाना प्रभारी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है, जिस पर थाना प्रभारी से जवाब मांगा गया है। अगर नोटिस में संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो थाना प्रभारी पर कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कल की घटना को लेकर के ज्ञापन था। इसमें कल थाना क्षेत्र में एक थाना स्तर पर उसमें एक अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक ज्ञापन भी प्राप्त। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।